हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली दो क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं BPSC 4.0 सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और साथ ही साथ बिहार एस्टेट, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं UP PGT और झारखंड टेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत जो पथ प्रदर्शक एवं जो सिद्धांतकार है, उनका योगदान है, उनके से रिलेटेड हम लोग टॉपिक को देखेंगे, जिसमें आज का जो हमारे थिंकर है वो है अगस्त कॉम्ट जी, जिनको कि समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने पूरे एक क्लास में इस पूरे टॉपिक को कवर करने का मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास से हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो देखिए, आपका जो झारखंड टेट का सिलेबस दिया गया है, उसमें आपको पढ़ने के लिए बोला गया है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक एवं योगदान। तो इसमें हमको किनको पढ़ना है, तो अगस्त कॉम्ट जी के संदर्भ में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग तो सभी जानते हैं, जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट कौन है। तो ये समाजशास्त्र के जनक है। इनका पूरा नाम अगर पूछा जाता है तो इनका पूरा नाम है एसिडोर अगस्त मेरी फ्रैंकाइज जेवियर, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो इनका जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेनियर नामक स्थान में हुआ था, और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 फ्रांस में ही इनकी मृत्यु हुई थी। फ्रांस कहाँ है, तो ये यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है। जब फ्रांस में भौतिकवादी क्रांति आती है, जैसे भौतिकवादी क्रांति के अंतर्गत आपका इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति हो गया, फ्रांस का राजनीतिक क्रांति हो गया, तो ये क्या थे, अगस्त कॉम्ट जी इनके जो गुरु थे सेंट साइमन, इनके प्रभाव में आए, इनके सोच को, इनके विचारों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये कब इनके प्रभाव में आए थे, 1822 में। इसके बाद इनके विचारों को विस्तृत रूप देने के लिए उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द की स्थापना की, कि इस समाज को हमको बेहतर ढंग से समझने के लिए एक विषय की आवश्यकता महसूस उन्होंने की। अगस्त कॉम्ट जो थे ये फिजिक्स, मतलब भौतिकवादी थे, भौतिक फिजिक्स सब्जेक्ट से लेकर पढ़े हुए थे, जिसके लिए इन्होंने समाजशास्त्र को, पहले समाजशास्त्र नाम नहीं दिया था जब वो सेंट साइमन के साथ थे, तो इन्होंने पहले इसको सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सामाजिक भौतिकी। लेकिन भौतिकी देने का अर्थ, मतलब उनका तात्पर्य क्यों था कि वो समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी क्यों दिए थे, तो वे चाहते थे, वो तो साइंस के स्टूडेंट थे, फिजिक्स के स्टूडेंट थे, तो वो देखते थे कि अगर हम कोई भी चीज़ का खोज करते हैं या समाज के बारे में ही अगर हम जानकारी देते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन आएगा, कहीं दूसरे कोई अगर आकर उसको फिर से जांच करते हैं, तो मेरा रिजल्ट में, उनका रिजल्ट में जैसे चेंज नहीं हो। विज्ञान में तो चेंज नहीं होता ना, सबका जो रिजल्ट रहता है वो समान ही आता है, इसलिए इन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि एक पहले से ही एक थिंकर थे, एडल्फ क्वाटलेट। कौन थे, एडल्फ क्वाटलेट ने इन सबसे पहले इस शब्द का उन्होंने प्रयोग कर लिया था, सामाजिक भौतिकी का। कहाँ किया था, तो उनकी जो पुस्तक थी एन एसे इन सोशल फिजिक्स, इसमें इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग कर लिया था। अगर पूछेगा कि सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो एडल्फ क्वाटलेट ने किया था। कौन से पुस्तक में किया था, तो एन एसे इन सोशल फिजिक्स में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर लिया था। फिर वो देखे कि नहीं, ये तो पहले से ही इस शब्द को लिया जा गया है, और वो क्या कर रहे हैं, अगस्त को हम एक नया विषय की जनक कर रहे हैं, नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया। अगर इनके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी, क्योंकि बुक्स में ही तो इन्होंने अपने सारे सिद्धांतों को दिया, कि किस बुक के अंतर्गत अपने कौन से सिद्धांत को दिए, एक एक करके हम लोग पूरा उसका एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। तो इनके अगर इम्पॉर्टेंट बुक की बात की जाए, इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति माना है, सामाजिक प्रगणनाओं का अध्ययन माना है, समाजशास्त्र को प्रगति का विज्ञान माना है, अमूर्त सैद्धांतिक सिद्धांत माना है,
अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान भी इन्होंने इसको माना है। अगर इनके इम्पोर्टेंस बुक्स की बात की जाए तो ये 1822 में इनके जो गुरु कौन थे, तो सेंट साइमन थे, ठीक है। इनके साथ इन्होंने जो पहली पुस्तक लिखी थी वो था प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इस पुस्तक की रचना कब की गई थी, 1822 में, और वो किनके साथ किए थे, तो अपने गुरु सेंट साइमन के साथ इस पुस्तक की इन्होंने रचना की थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने समाज सुधार एवं सामाजिक पुनर्निर्माण से संदर्भित सभी बातों को विश्लेषण किया, उसका अध्ययन उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया था। नेक्स्ट जो इनकी पुस्तक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी सकते हैं। उसकी पुस्तक का नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसको कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का नाम दिया, इन्होंने जो समाजशास्त्र शब्द दिया 1838 में, इसी पुस्तक में इन्होंने दिया पॉजिटिव फिलॉसफी में। इसी पुस्तक को ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, क्योंकि अगस्त कॉम्ट कौन थे, फ्रांस के दार्शनिक थे, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक लिखी थी। उनकी पुस्तक को इंग्लिश में अनुवाद किया था, किन्होंने किया था, तो हैरियट मार्टिनो ने किया था। किन्होंने किया था, तो हैरियट मार्टिनो ने, जिनको कि समाजशास्त्र की जननी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, जो कि बिहार एस्टेट के एग्जाम में पूछा भी गया था इस बार जो जून में एग्जाम हुआ था, कि उसमें ऐसा पूछा था कि अगस्त कॉम्ट की जो पुस्तक है पॉजिटिव फिलोसफी, इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, तो हैरियट मार्टिनो ने किया था, जिनको कि समाजशास्त्र की जननी बोला जाता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। तो इस पुस्तक में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा, और ये जो पुस्तक थी ये 1830 से लेकर 1842 तक इस पुस्तक को लिखा गया। मतलब कि एक ही बुक को लिखा गया, नहीं, इस पुस्तक का 6 खंड आया था। कितना खंड आया था, तो 6 खंड आया था, और 6 खंडों में ये विभाजित है। और इसी पुस्तक में पॉजिटिव फिलॉसफी में ही प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी गई, विकास के 3 चरणों के संदर्भ में बात की गई, जिसको कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि ज्ञान का विकास का सिद्धांत। उसके बाद इन्होंने विज्ञानों का संस्तरण, विज्ञानों का जो पदानुक्रम है ये इसी पुस्तक में दिया, जो 6 खंडों में विभाजित है। फिर समाजों का वर्गीकरण इसी पुस्तक में किया। मतलब देख रहे हैं कितना इम्पॉर्टेंट है कि इनकी बहुत सारी जो थ्योरी आपको इसी पुस्तक के जो 6 खंड है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ठीक है। इस पुस्तक की रचना इन्होंने 1851-52 में की, और ये जो पुस्तक है ये 4 खंडों में विभाजित है। और इस पुस्तक में इन्होंने मानवता का धर्म, ये जो सिद्धांत थे उन्होंने अपने इसी पुस्तक द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में दिया। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिज्म, पॉजिटिव मतलब प्रत्यक्षवाद, ठीक है, प्रत्यक्ष। इसमें इन्होंने लोकतंत्र की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इस पुस्तक की रचना इन्होंने 1854 में की। इसके बाद इन्होंने एडुकेशन एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी, रिलीजियन एंड ह्यूमैनिटी पुस्तक लिखी। तो ये सारे इनके इम्पॉर्टेंट पुस्तक थे जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने इनके इम्पॉर्टेंट वर्क की तरफ देख लिया, इन इम्पॉर्टेंट बुक्स की तरफ देख लिया। अब हम इनकी थ्योरी के तरफ देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी। तो इनका जो पहला थ्योरी था वो था ज्ञान का विकास का सिद्धांत, या फिर ज्ञान का पदानुक्रम का सिद्धांत भी आप बोल सकते हैं। ये इन्होंने अपने किस पुस्तक में लिखा था, तो पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने अपने ज्ञान के विकास का सिद्धांत लिखा था, जिसको कि लॉ ऑफ 3 स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इन्होंने 3 प्रकार के स्तर बताए थे। पहला उन्होंने बताया था धार्मिक स्तर, दूसरा उन्होंने बताया था तत्व मीमांसीय स्तर, और तीसरा इन्होंने बताया था कि सकारात्मक या प्रत्यक्षवाद स्तर। 3 प्रकार के स्तरों की इन्होंने अपनी इस पुस्तक में इन्होंने बात की थी। जो धार्मिक अलौकिक स्तर होती है ये समाज की प्रथम अवस्था होती है, और इसकी जो अध्ययन की इकाई होती है वो परिवार होता है। इसमें जीवी सत्तावाद, बहुदेववाद, एक देववाद, ये सभी आते हैं। तत्व मीमांसीय में व्यक्ति क्या करता है, सोचने लगता है, ठीक है, कि ये समाज के अंतर्गत की घटनाएं जो हो रही हैं वो क्यों हो रही है, वो निराकार शक्ति, आत्मा, परमात्मा, ये सब चीज़ों के बारे में क्या करने लगता है, सोचने लगता है। तीसरा जो है स्तर है वो है प्रत्यक्ष
वाद का स्तर। प्रत्यक्षवाद में व्यक्ति निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, इन सभी के माध्यम से समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका अवलोकन करता है। तो ये इनका क्या था, ज्ञान के विकास का सिद्धांत, जिसको कि लॉ ऑफ थ्री स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो ये सिद्धांत था, इसकी अगर पूछे थे कि इसकी आलोचना किसने की थी, तो अगर आलोचना पूछेगा तो जे एस मिल ने इसकी आलोचना की थी, उनके इस सिद्धांत की आलोचना की थी, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इनका सिद्धांत मानवता का धर्म, जो कि इन्होंने सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में इसके बारे में बात की थी। अगस्त कॉम्प्ट जी के अनुसार प्रत्यक्षवाद किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए या वास्तविक ज्ञान होता है, और उससे ही जो समस्त मनुष्य का भला हो, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने अपनी पॉजिटिव भलम जो पॉलिटी थी इसमें बात की थी, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य का भला कर रहे हैं, उनका मानवता का धर्म अदा कर रहे हैं, मतलब मनुष्य के हम भला अपने कर रहे हैं, इसके बारे में बात की। नेक्स्ट है इनकी जो सिद्धांत है वो है समाजशास्त्र के विषय वस्तु। इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को दो भागों में बांटा, सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की, दो भागों में इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांटा था। सामाजिक स्थिति की में मानव अंग आएंगे, संरचनात्मक अवस्था आएगा, इसका जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है वो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने किया, और सामाजिक गति की में मैंने गति कर रहा है तो ये शरीर विज्ञान या प्रकार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को इन्होंने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका थ्योरी है वो है विज्ञानों का पदानुक्रम। विज्ञानों का पदानुक्रम का मतलब कि जो विज्ञान सबसे पहले आया है वो सरल है अभी वर्तमान के विज्ञान की तुलना में, तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले किस विज्ञान को रखा है, गणित को, कि गणित सबसे पहले आया था तो ये गणित सरल है। गणित के बाद इन्होंने खगोल शास्त्र को रखा, किसको रखा, तो खगोल शास्त्र को रखा, किस खगोल शास्त्र आया, उसके बाद भौतिक शास्त्र आया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने रसायन शास्त्र को रखा, कि भौतिक शास्त्र के बाद क्या आया है, तो रसायन शास्त्र आया, मतलब ये जो गणित है ये सबसे इजी सब्जेक्ट हो गया, फिर खगोल शास्त्र हो गया, फिर आपका भौतिक शास्त्र हो गया, फिर रसायन शास्त्र हो गया, उसके बाद आपका जीव विज्ञान आया, उसके बाद समाजशास्त्र आया। समाजशास्त्र को इन्होंने सबसे अंतिम में रखा, यानी इन्होंने समाजशास्त्र को सबसे कठिन विषय भी बताया है, कि समाजशास्त्र ये जो क्या है ये सबसे कठिन विषय है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर इसके बाद भी अगर कोई विज्ञान आता है तो वो क्या होगा, समाजशास्त्र के बाद नीति शास्त्र आएगा। उन्होंने पहले से ही इसकी भविष्यवाणी कर दी कि अगर कोई विज्ञान आता है तो वो नीति शास्त्र विज्ञान हमें देखने को मिलेगा। इसलिए समाजशास्त्र को अगस्त कॉम्ट जी ने क्या कहा, कि समाजशास्त्र जो है ये सभी विज्ञानों की महारानी है। क्या कहा, सभी विज्ञानों की महारानी है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो कॉन्सेप्ट है अगस्त कॉम्ट, ये पूरे अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि उन्होंने अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, कौन कौन से थ्योरी लिखी है। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।